हेलो एवरीवन, मैं निशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। डे है ट्यूसडे, मॉर्निंग का टाइम है, अभी 6 बज रहे हैं। जस्ट मैं सो के उठी हूँ। आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ बिजी मॉर्निंग रूटीन। मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ, मैं अकेले हूँ, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरे पास बेबी है, हस्बैंड है, तो कैसे अपने काम को मैनेज मैं करती हूँ, वही आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और अपने लिए मैं कैसे टाइम निकालती हूँ, अपनी बेबी के लिए कैसे टाइम निकालती हूँ, इस ब्लॉग में मैं छोटे छोटे चीज़ अपना कैप्चर किया है, आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। ब्लॉग को आप लोग स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, ज़रूर आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मैंने चाय रखा है। चाय मैं ज़्यादा पकाना पसंद करती हूँ। 2 कप चाय के लिए मैं 2.5 कप रखती हूँ और लो फ्लेम पर मैं रख देती हूँ। चाय जब तक बन रहे तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी, तो मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। चाय के लिए स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। इधर मेरी झाड़ू लग रही है और उधर मेरी चाय बन रही है। और आप अकेले हैं, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, तो रात में जब आप टीवी देख रहे हैं उसी टाइम पे आप सब्ज़ी कट कर सकते हैं। मैं अरवी की सब्ज़ी आज बनाने वाली हूँ और अरवी की सब्ज़ी काटने में टाइम लगते हैं, तो रात में मैं टीवी देख रही थी उसी टाइम पे मैं सब्ज़ी कट करके रख ली। और ज़्यादा मैं रात में ही सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं फ्रिज से सारी सामान बाहर निकाल दूँगी। सब्ज़ी हैं, आटा हैं, ये सब सामान मैं बाहर निकाल दूंगी, तो बनाने के टाइम तक नॉर्मल हो जाएंगे। शाम को जब मैं आटा लगाती हूँ उसी टाइम मैं सुबह के लिए भी लगा लेती हूँ, कभी मैं मॉर्निंग में आटा नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ये है, रात में जो मैंने कट किया था ये आटा है जो शाम को मैंने लगाया था, ये सत्तू है जो रात में मैंने बना के रखा था। मैं नाश्ते के लिए पराठा, सत्तू के पराठा, आलू का पराठा बनाना होता है तो शाम को ही आलू बॉयल कर लेती हूँ, सत्तू का बनाना रहता है तो शाम को ही मैं बना लेती हूँ। और मेरे इधर चाय बन गए। चाय पीने के बाद ये सब्जी बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ग्रेट किया है और प्याज को ग्रेट किया है, तो नाइफ़ है, ग्रेटर है, सब मैं धो के हटा दूँगी उसी हाथ से। आप जो चीज़ यूज कर रहे हैं उसी हाथ से आप धो के हटाते जाएंगे तो आपका किचन में सामान ज़्यादा फैलेगा नहीं। आपके जो ये सब हैं एक ही बार धोने के लिए सोचेंगे तो पूरा किचन में सामान फैल जाते हैं, तो उससे ज़्यादा हम लोग घबरा जाते हैं। नाइफ वगैरह उसी हाथ से मैं रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ग्रेट किए थे और 1 यहाँ पे प्याज मैंने ग्रेट किए हैं, और इसके बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और अभी सारे लोग सोए हैं, सुमित जगे हैं बट बिस्तर पर ही हैं, जगने पर बिस्तर पर हैं, नहीं तो अभी अंश जग जाएंगे तो मेरा काम रुक जाता है, तो अभी बिस्तर पे हैं। ऑफिस उनका 8:30 बजे से निकलना होता है और वो आधा घंटा पहले रेडी होते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल में डाला है राई, जीरा और इसमें अजवाइन, उसके बाद कढ़ी पत्ता। जैसे चटक गया है तो इसमें मैंने प्याज ऐड किया है। प्याज ऐड करने के बाद थोड़ा सा प्याज को भूनी हूँ, इसके बाद अदरक मैंने ऐड किया है। और प्याज को अच्छे से भूने, थोड़ा बहुत मत भूने, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा प्याज उसमें आप सब्ज़ी बनाते हैं तो देखेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और प्याज भूनने के बाद मैंने अरवी को उसमें ऐड किया है, अरवी को भी मैं भूनूंगी। और कभी कभी क्या होता है मॉर्निंग में सामान देखेंगे तो डब्बे में रहेगा नहीं, तो ये सब भी उसी टाइम पे ट्रांसफ़र करना रहता है। तो मैं मसाले निकालने गई हूँ तो देखी हूँ मिर्ची पाउडर थी ही नहीं, तो उसको भी मैंने ट्रांसफ़र किया है और मसाले सारे मैंने निकाल लिए हैं। इसमें मैं टमाटर है उसको मैंने ऐड किया है, और टमाटर को भी भूनेंगे। अरवी तो मेरी भून चुकी है, अरवी को भूनने के बाद ही टमाटर ऐड करें। टमाटर थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करें। ये मसाले हैं गरम मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। इसके बाद ढक दूंगी लो फ्लेम पे, 3 से 4 मिनट तक ये पकेगा। और मसाले सब 1-1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए थे और गरम मसाले साथ में ही मैं ऐड कर देती हूँ। और ये कांच के बर्तन में यूज की थी वो सब मैं धो के हटा दूंगी। आप लोग भी कांच के बर्तन यूज कर रहे हो तो उसी हाथ से धो के हटा दें, नहीं तो बर्तन के नीचे ये दबके फूट जाते हैं, तो ये मैं धो के हटा दूंगी। और सुमित को अरवी की सब्ज़ी सूखा ही पसंद है, ग्रेवी वाले नहीं पसंद है, तो मैं सूखा ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इसके बाद इधर देख सकते हैं आप लोग, लो फ्लेम पे सब्ज़ी ढक के मैं पका रही थी। इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और इसके बाद 1 चम्मच मैं अमचूर पाउडर ऐड करूँगी। और इसमें मैं 2 टमाटर ऐड की थी तो अमचूर पाउडर मैं 1 चम्मच ही ऐड करूँगी। इसके बाद इसको सब्ज़ी को मैं ढक के नहीं पकाऊँगी, आप 90% इसको ढक के पकाएँ और 10% इसको ऐसे ओपन पकाएँ, तो आपकी जो सब्ज़ी है एक कुरकुरी भी हो जाएगी और सूखा एकदम अच्छा दिखेगा। इसके बाद इसमें मैं धनिया की पत्ती ऐड कर दी हूँ तो सब्ज़ी बन के तो मेरी रेडी हो गई है। इसके बाद मैं रोटी बना लूँगी।
रोटी भी मेरी बन गई और यहाँ पे मैं रोटी में घी लगाई हूँ। उसके बाद लंच बॉक्स रख रही हूँ और लंच बॉक्स रख दूँगी, और एक तरफ मैं लंच इनको सब्जी रखने के बाद जो सब्जी बचे हैं यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और कढ़ाई को भी मैं भिगो दी हूँ। और सब्जी ये सुमित का है तो इसको भी मैं पैक कर दूँगी। और इसके बाद मैं पूजा के बर्तन धो लूँगी, सुमित को पूजा करना रहता है तो बर्तन वगैरह धो लेती हूँ तो पूजा कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन धो रही हूँ। और इसके बाद अंश को मैं देखूँगी। अंश, अंश बेटू, पापा जा रहे हैं ऑफिस बेटू। परी उठिए, अंश पापा जा रहे हैं बेटू, उठो पापा जा रहे हैं, उठो। अंश जब सो के उठते हैं तो इनको थोड़ा सा दुलारना पड़ता है, गोद में लेना पड़ता है, तब थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सुमित ऑफिस निकल जाते हैं तो उठते हैं तो रोने लगते हैं, तो इसीलिए मैं पहले इनको जगाती हूँ और यहाँ पे मैं परी को जगा रही हूँ। दोनों लोग को मैं ब्रश कराऊँगी, तो दोनों लोग आ गए और यहाँ पे मैं ब्रश करने के लिए दे दूँगी इन लोग को। और परी तो कर लेती हैं, अंश को कराना पड़ता है। अंश भी जिद करते हैं कि मैं अपने हाथ से करूँगा लेकिन कर नहीं पाते हैं। ब्रश कराने के बाद इन लोग को मिल्क दी हूँ पीने के लिए, और अंश को 10 से 15 मिनट लगते हैं मिल्क पिलाने में। पहले तो आधे घंटे लगते थे, अभी तो थोड़ा सा जल्दी पी लेते हैं। और सुमित इधर कारपेंटर वाले भैया को बुला रखे थे तो ड्रिल करा रहे हैं, और अंश ड्रिल हो रहा है तो कान में उंगली किए हुए हैं, ये बाथरूम में ड्रिल हो रहे हैं साइड स्टैंड हैंग करने के लिए। जब से स्टैंड आया था तब से हैंग नहीं हुआ था, वैसे साइड में रखा गया था। जब आया था तो आप लोग से मैं ब्लॉग में शेयर की थी, हमारे बाथरूम में कॉर्नर स्टैंड है, कुछ कुछ सामान है आप लोग को मैंने बताया था कि नीचे रखती थी मैं, तो इसके लिए मैं साइड स्टैंड हैंग करा रही हूँ। और यहाँ पे सुमित गए हैं सावर लेने, और यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ नाश्ता के लिए। ये सत्तू का मैं पराठा बना रही हूँ, और सत्तू मैं रात में ही रेडी करके रखी थी, आप लोग को मैंने बताई है, इसीलिए मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ। सुबह में बहुत सारे काम रहते हैं, कोई कोई काम तो ऐसे आ जाते हैं जो शेड्यूल में नहीं रहते हैं, उसको भी देखना रहता है। और पराठे में यहाँ पे मेरे बन गए, और रात में आटा और सब्जी पहले से मैं करके रखती थी जब मैं ऑफिस जाती थी तब भी। अभी तो अंश हो गए, अंश को देखना रहता है। और आप ऑफिस जा रहे हो या आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो ऐसे आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे जो आटा गिरा हुआ है रोटी में बनाई थी उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, बाद में अच्छे से मैं किचन क्लीन करूँगी। ये सब गिरा रहता है और आप लेट से किचन क्लीन कर रहे हो, कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगता है और अपने को खुद नहीं अच्छा लगता है, तो साथ साथ आटा वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ। और सुमित ऑफिस जा रहे हैं, जाते जाते भी इनको एक बार चाय चाहिए, तो मैं लास्ट में ये चाय इनको पिला रही हूँ। और अंश यहाँ पे खेल रहे हैं, और सुमित ऑफिस जाते हैं तो अंश देखते हैं, बोलते हैं मैं भी ऑफिस जाऊँगा। कहाँ ले जा रहे हो, तुम लेके जाओगे? यहाँ पे आप लोग अंश को देखिए, जैसे मैं डस्टबिन में से कैरी बैग निकाली हूँ अंश ये बॉक्स लेके रेडी हो गए हैं। ये स्टैंड का बॉक्स है, इनको पता है कि ये भी नीचे ले जाना है, और जितनी बार मैं नीचे जाती हूँ उतनी बार मेरे साथ ही नीचे जाते हैं। मैं पार्किंग में आई हूँ कचरा रखने, पहले कचरे वाला भैया फ्लोर फ्लोर से कचरा सबका ले जाते थे, अभी हम लोग ने मना कर दिया था कि हम लोग नीचे ला के पार्किंग में रख देंगे तो वहीं से आप उठा लीजिएगा। तो आते हैं, बेल बजाते हैं, गेट खोल देते हैं हम लोग, तो वहीं से उठा लेते हैं वो। इसके बाद ये बर्तन वगैरह सब उठा के मैं सिंक में डाल दूंगी, और यहाँ पे मैं पानी गरम कर रही हूँ। एक मेरा डब्बा खाली हुआ है, इसमें मैं घी रखी थी, तो गरम पानी डाल दूंगी तो ये डब्बे अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे गरम पानी डाल के थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी, और यहाँ पे ये सब गैस वगैरह मैं क्लीन कर रही हूँ, इसके बाद मैं बर्तन वगैरह धुल लूँगी। इसके बाद ये बर्तन वगैरह सब मैं धुल लूँगी, तो सबसे पहले ये जो फूटने वाले बर्तन रहते हैं उसी को मैं धोती हूँ, कप वगैरह हो गए, प्लेट वगैरह हो गए, ये सब मैं धो के हटा लेती हूँ। उसके बाद सारे स्टील के मैं बर्तन धुलती हूँ।
बर्तन भी मैंने धुल लिए और ये सिंक क्लीनर में थोड़ा सा मैंने लिक्विड डाला है, उसके बाद ये टाइल्स वगैरह सिंक वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी। तो किचन का तो मेरे सारे काम हो गए और सिंक क्लीन हो गए, बर्तन मैंने धुल लिए, गैस मैंने क्लीन कर लिए, सिर्फ मुझे दाल राइस बनाना है लंच के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी 10:05 हो रहे हैं और जस्ट मैं अभी नीचे से आ रही हूँ। अंश का टी शर्ट आया था फर्स्ट क्राई से और टी शर्ट बड़ा आ गया था तो रिटर्निंग के लिए आया था, तो मैं देने गई थी। और किचन के सारे काम हो गए, किचन से तो मैं फ्री हो गई। किचन के काम जब हो जाते हैं तो लगता है आधा काम अपना हो गया। जा रही हूँ लंच के लिए दाल रखने और यहाँ पे मैं लौकी की दाल बना रही हूँ। तो रात में लौकी और चने की मैं सब्जी बनाई थी, उसी टाइम मैं लौकी कट करके रख ली थी और यहाँ पे चना और अरहर की दाल मैं भिगो के रखी हूँ। ऐसे आप भिगो के रखेंगे तो दाल जल्दी बन जाते हैं। दाल रख दूंगी बनने के लिए, इधर दाल बनेगा लंच के लिए और उसके बाद मैं जा रही हूँ बेडरूम में, बेडशीट वगैरह सही करूंगी, बेड वगैरह बनाऊंगी। दाल तो रख दी मैं बनने के लिए, इसके बाद मैं आ गई बेडरूम में बेडशीट वगैरह सही करने के लिए। तो ये ब्लैंकेट है उसको मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। आप लोग बोलोगे समर में ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं लोग, जब एसी चलती है तो अंश और परी को सर्दी लगने लगती है, तो इन लोग को लगता ही है ब्लैंकेट। और ये बहुत हल्का ब्लैंकेट है, हैवी नहीं है। ये बेडरूम तो सही हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और अंश और परी जैसे मैंने बेड को सही किया वैसे ही आके इस रूम में ये लोग खेलने लगे। अंश बेटू गिर जाओगे, परी अंश गिर जाएंगे, छोड़ दीजिए। अभी उस बेडरूम में लोग खेल रहे थे लोग, और इस बेडरूम को जैसे मैंने ठीक किया इस बेडरूम में आ गए लोग। जो मैं ठीक करके जाऊंगी उसी में तुरंत लोग दौड़े दौड़े आ जाएंगे लोग। अंश हाय बोलो बेटू, गुड मॉर्निंग बोल दो। इस रूम को आप लोग देखिए, पूरे बिस्तर पे टॉय बुक्स फैला के रखे हैं लो ये लोग। इसी रूम में ये लोग पढ़ते हैं, इसी रूम में ये लोग खेलते हैं लो। टॉय का एक मैं बास्केट बना रखी हूँ, उठा के मैं इसी में रख के बालकनी में रख देती हूँ, जब खेलने का होता है तो उठा के ले आते हैं लोग, खेलते हैं लोग। अब तो अंश अब खुद ही खेल के बास्केट में रख देते हैं। और यहाँ पे अंश इस रूम में भी आ गए जैसे मैं बेडशीट सही की हूँ, और उसके बाद इन लोग को मैं कार्टून लगा दी हूँ देखने के लिए कि मेरे अच्छे से सारे काम हो जाए। और दाल तो मेरे बन गए हैं, मैं राइस रखती हूँ बनने के लिए। और पोछा लगाने के बाद इन लोग को मैं नहलाऊँगी, इस तरीके से सारे काम हो जाते हैं। और एक तरफ मेरा ये सब काम होता है, एक तरफ मैं दाल वगैरह रखना रहता है, राइस रखना है तो रख देती हूँ। अभी 11:40 हो रहे हैं और आज मेरे बाल धुले हैं तो बाल मेरे गीले ही हैं और काम तो मेरे सारे हो गए, आप लोगों ने देखा ही। 10-15 मिनट पहले मैंने पूजा किया है और इस टाइम के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है। अंश 1 बजे सोते हैं और इसके बाद मैं जो काम करना रहेगा काम करूंगी, रेस्ट करना रहेगा रेस्ट करूंगी, कहीं फ़ोन पे बात करना रहेगा तो फ़ोन पे बात करूंगी। तो काम जल्दी हो जाते हैं तो अपने लिए भी टाइम निकल जाते हैं, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, निकलते नहीं है। काम तो पूरे दिन लगे रहते हैं, करो तो पूरे दिन कुछ न कुछ काम रहते ही हैं। और आप लोग को मैं दिखा दूं, इस रूम को मैंने सही किया था मॉर्निंग में ही, फिर से बास्केट आ गया है, पूरी टॉय बेड पे फैल गई है। अब खेल के इसी में लोग रख देंगे ना लोग, मैं भी रोकती टोकती नहीं हूँ, कहीं लोग को जाना ना तो है नहीं, घर में ही रहना रहता है, खेलते हैं लोग, टीवी देखते हैं लोग, पढ़ते हैं लोग, तो मैं भी नहीं रोकती हूँ। अभी अंश थोड़ा सा है कि खेल लेते हैं तो फिर उसमें रख देते हैं। अंश खेल के रख दोगे ना, कहाँ पे टॉय रखना है, इसमें रखना है, अभी खेल लेते हैं तो रख देते हैं। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर ब्लॉग भी डालती हूँ, होम रेमेडी भी डालती हूँ, मेकअप लुक भी डालती हूँ, कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा जो आप लोग देखेंगे। मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।